तो नमस्कार मित्रों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका इस आपके अपने चैनल पर। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं आप सबको सिर्फ 30 दिन में बांसुरी का कोर्स करवा रहा हूं, और इसी कड़ी में मैं अभी तक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन्स दे चुका हूं। और आज का जो लेसन है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण विद्या है बांसुरी की, जिसको हम ज़्यादातर इसका प्रयोग फोक म्यूजिक में यूज किया जाता है, पहाड़ी में, भोपाली में इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। इसका नाम है खटका। अब खटका जिसका नाम ही सुनकर के आपको लग रहा होगा, जैसे एक सिंपल सा वे है कि जब हम सुरों पे चढ़ते रहते हैं उतरते रहते हैं तो बीच में एक छोटा सा गैप देना, बहुत छोटा सा गैप देना, बिल्कुल जो लय ताल जो जुड़ के एक से एक स्वर मिलके जा रहे हैं उनको बीच में से रोक देना, तुरंत थोड़ा सा जस्ट सेकेंड के लिए रोका और उसके बाद फिर से वही धुन कंटिन्यू आगे किया। ये हर जगह पर तो नहीं, लेकिन ये बहुत कहीं कहीं पर अगर यूज हो, सही प्रकार से यूज हो, तो ये बहुत अच्छी लगती है। तो इसको एक बार मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसका प्रयोग कैसे करना है, और ये आप कोशिश करना कि जब आपका एक लेवल पार हो जाए तब आप इसको ट्राई करना। जैसे कि आपकी सरगमें क्लियर हो गई, आपको राग भोपाली बजाना आ गया है ना, तो तब आप इसको ट्राई कर सकते हैं, या जब आप पहले ही अच्छे से बांसुरी बजाते हैं तो आप इसको तब ट्राई कर सकते हैं। और एक विशेष सूचना ये भी है कि अगर किसी को मुझसे पर्सनली क्लास लेनी भी हो तो वो भी मुझसे संपर्क कर सकता है, बहुत ही मामूली फीस में मैं आप सबको पर्सनली क्लास देता हूँ, और आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। तो अब बात करते हैं खटका की। इसका एक छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि कैसे ये कहाँ पर कितना अच्छा लगता है, कैसे इसका प्रयोग होता है, और फिर आप चाहें तो आप भी ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं बजाता हूँ एक राग पहाड़ी, उसमें मैं आपको बताऊँगा कहाँ पर खटके का प्रयोग हो रहा है और आपने कैसे करना है, कहाँ पर कितना अच्छा लगता है। ये जो हम बार बार तोड़ते हैं वो कैसे टूट रहा है, ये बिल्कुल बहुत कम देर के लिए, भी कम तो जो बीच में हल्का सा हम तोड़ रहे हैं इसको, आप अगर ध्यान से देखेंगे शायद अब तो आप इतना लेवल पार कर लिया होगा कि मैं छोटी सी चीज़ भी बजाता हूँ तो आपको अनुभव लग जाता होगा कि क्या क्या मैं उसमें प्रयोग कर रहा हूँ। तो जैसे तो ये जो बीच में मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ इसी को कहते हैं खटका। अब ये हर किसी का अलग अलग, मैं जितनी बार भी इसको बजाऊंगा वो अलग बजेगा, कुछ अलग बजेगा, ये कॉपी नहीं हो सकता, ये हर इंसान का अलग अलग बजेगा। या कॉपी करना चाहे तो बहुत रियाज करके तब जाके ये आप मेरा कॉपी कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक समझाने का तरीका है, सिर्फ यहीं पे आप खटके का यूज़ नहीं करेंगे, आपको जहाँ पर भी अच्छा लगेगा, जहाँ पर बहुत सारे स्वर कंटिन्यू बजते हैं अचानक से अगर तोड़ के फिर उसको कंटिन्यू किया तो वो कई बार बहुत अच्छा प्यारा लगता है, और बार बार भी ये किया तो तब वो थोड़ा सा दिक्कत लगता है, तब ज़्यादा लगता है। तो ये बहुत कम आपने यूज़ करना है।
ये एक विद्या है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। भले मैं समझता हूँ कि शायद ये अभी आपके इतने काम ना आए, लेकिन मेरा एक जब कोर्स चल रहा है, जब मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि आपको ये चीज़ भी बताऊँ। तो आप ऐसे ही अच्छे से रियाज करते रहिए, बस ये अभी सिर्फ कोशिश करें कि जब आपका एक लेवल पार हो जाए तब आप इसको करने की कोशिश करें। लेकिन जब तक आपकी सरगमी और जो आप कर रहे हैं, जो आप बिगनर्स हैं, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा अभी प्रैक्टिस ना करें। ये सिर्फ वही करें जिनका लेवल पार हो गया है या जो पहले से ही अच्छे से बजाते हैं। और दूसरी बात ये है कि किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो भी मुझे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, आप अच्छे से रियाज करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।